अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्तर नगर का थाना क्षेत्र फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। नगर में बढ़ती घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बीते एक साल के दरमियान में देखा जाए तो 6 अगस्त 2021 में खेरकुंडी के युवक की पुलिस कस्टडी में मारपीट और जेल में हुई उसकी मौत के बाद 7 अगस्त 2021 को आदिवासियों की भीड़ ने थाने पर हमला कर तोड़फोड़ और पथराव कर दिया था। उसके बाद 21 मार्च 2022 को बनहेर तिराहे पर एक युवक के ऊपर गोली चलाकर आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें युवक को हाथ में गोली लगी थी। 9 अप्रैल को इसी थाना क्षेत्र के ग्राम माहू माडली में खेत हलने की बात पर गोली चला दी थी, जिसमें युवक को हाथ की उंगली में चोट आई थी। इसके बाद 18 मई 2022 ग्राम मोघन घट्टी में गोली चलने की घटना हुई थी। इन घटनाओं के बाद बीते शनिवार की देर शाम को थाना क्षेत्र में हुई फिर पथराव की घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। नगर में हो रही वारदातों के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठने लगे हैं। ज्ञात रहे कि शनिवार की शाम को शादी का झगड़ा तोड़ने की बात पर आदिवासी समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। बीच बचाव में बिना सुरक्षा के गए पुलिस जवान घायल हो गए। घटना के बाद देर रात 10 बजे पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने थाने का दौरा कर घटना की जानकारी ली है। पुलिस ने पथराव की घटना के बाद लड़की के भाई पप्पू पिता रूप सिंह की शिकायत पर 5 आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने रविवार को 5 आरोपियों में सूर सिंह पिता रिचू, प्रकाश पिता सूर सिंह, श्यामू पिता सूर सिंह, बल्लू पिता सूर सिंह, मड़िया पिता दामा सभी निवासी जूना पानी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अन्य की तलाश जारी है। टीआई रमेश तिवारी ने बताया कि विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस बीच बचाव के लिए घटना स्थल पर पहुंच गई, जहां पथराव से 4 जवान घायल हो गए। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट बिस्टान।